अस्सलाम वालेकुम फॉर क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज का आपका लेक्चर है लेक्चर नंबर 11। लेट्स स्टार्ट अवर लेसन। यूज़ ऑफ देयर। तो स्टूडेंट, आज हम सीखेंगे कि हम देयर का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। याद रहे कि किसी जगह पर किसी चीज़ की मौजूदगी का इजहार करने के लिए हम देयर लगाते हैं। मीन्स ये बताना हो कि किसी जगह पर कोई चीज़ मौजूद है, पड़ी हुई है, तो वो सेंटेंसेस हम देयर से स्टार्ट करते हैं। चलें आए कुछ सेंटेंस हम प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट सेंटेंस है, दरख्त के नीचे बिल्ली है। मीन्स यहाँ पर बिल्ली की मौजूदगी जाहिर हो रही है कि वो कहाँ है, दरख्त के नीचे है। तो हम इसका सेंटेंस बनाएंगे, देयर इज़ अ कैट अंडर द ट्री। नेक्स्ट हम देखते हैं, मेज़ पर किताब है। सेंटेंस हम बनाएंगे, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। नेक्स्ट है, अगर हमने इसे नेगेटिव में बनाना हो तो हम किस तरह बनाते हैं, किचन में बर्तन नहीं है। देयर इज़ नो पॉट इन द किचन। और अगर इसको इंट्रोगेटिव में बनाना हो, मीन्स सवालिया में, तो आप क्या बनाएंगे, क्या सोफे पर किताब है? इज़ देयर बुक ऑन सोफा। ठीक है स्टूडेंट, आपने इनकी प्रैक्टिस भी करनी है और मैक्सिमम 20 सेंटेंसेस अपनी लैंग्वेज की नोटबुक पर बनाने हैं। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हुआ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।